तो यार ये आ गया हमारे पास Redmi Note 8। और इसकी अगर हम बॉक्सिंग देख लें यहाँ पे तो देखो सिंपल सिंपल MI की ब्रांडिंग मिल जाती है और जो मेन USP है फोन का वो यहाँ पे मिल जाता है आपको 48 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा। देखो साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम स्पेक्स देख लें इसके तो जो इसका मेन हाईलाइट है वो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, इसके साथ 18 वॉट का 4000 mAh की बैटरी को चार्ज करने वाला 18 वॉट का फास्ट चार्जर, उसके बाद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे जो गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है फ्रंट और बैक में। अगर यहाँ पे अगर हम अनबॉक्स करें तो देखो सिंपली ये बॉक्स निकालने के बाद यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपको ये आ जाता है फ्लैप जैसा, इसको हटाते हैं, इसको रखते हैं साइड में और यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका फोन Redmi, इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद यहाँ पे फर्दर देखे तो कैमरा कटआउट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो ये कुछ ही है, इसको हटाओ। यहाँ पे अंदर आपको भाई यहाँ पे डेटा केबल मिल जाती है लेकिन ये यहाँ पे टाइप सी मिल जाता है आपको। उसके बाद बात करें यहाँ पे चार्जर की तो आपको यहाँ पे मिल जाता है फास्ट चार्जर की तरफ से, ये करते हैं साइड में। और बाकी बॉक्स में आपको कुछ और देखने को नहीं मिलता है, ये सारी इंफॉर्मेशन थी बॉक्स के बारे में। उसके बाद इस फ्लैप को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल और यहाँ पे आपको मिल जाता है आपके फोन के लिए कवर। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ब्रोशर मिल जाते हैं जिसमें फोन के बारे में सारी डिटेल्स है कि भाई चार्जिंग वगैरह कैसे करना है, सिम कैसे डालना है, ये सब। और यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है साथ में। तो ये हो गई भाई सारी चीजें इसके बारे में। तो फोन को हम बाहर पुल आउट करते हैं यहाँ पे और फोन को देखें, अगर हम इसको यहाँ पे करते हैं अनरैप तो यार ये फोन आ गया हमारे पास यहाँ पे Redmi Note 8। और इसका जो डिफरेंट वेरिएंट है, अगर आप 4GB RAM में जा रहे हो, 6GB RAM में जा रहे हो, लुक एंड फील सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे इंटरनल जो है वो चीजें चेंज होती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वाड कैमरे का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे चार कैमरे हैं, यहाँ पे LED फ्लैश है, फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे मिल जाता है और पीछे पूरा गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, ग्लास बॉडी है। सामने आपको स्टील बॉडी मिल जाती है यहाँ पे जो कि कुछ कुछ मेरे को आईफोन वाली फील देती है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे IR सेंसर मिल जाता है, माइक यहाँ पे ऊपर की तरफ प्लेसमेंट है आपकी। नीचे की तरफ बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है यहाँ पे स्पीकर के जो कटआउट्स हैं वो, यहाँ पे USB टाइप सी का चार्जिंग सपोर्ट है, ड्यूअल माइक सिस्टम यहाँ पे है और यहाँ पे 3.5 mm जैक का भी सपोर्ट मिल जाता है। फ्रंट में बात करें तो यहाँ पे आपको नॉच मिल जाता है ऊपर, यहाँ पे नॉच डिस्प्ले है और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे छोटा सा स्पीकर का कटआउट दिखता है जिसकी वजह से इसको काफी हेल्प मिलता है बेजल लेस होने में। बात करें फोन के साइड की तो यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है और बाकी यहाँ पे आपको रॉकर्स बटन मिल जाते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम का अप डाउन है, यहाँ पे पावर का बटन है और इसके अलावा पूरे फोन में और कुछ नहीं मिलता है। नीचे यहाँ पे आपको Redmi की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे टेम्पर ग्लास लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे फोन को हम बूट कर लेते हैं तो ये यहाँ पे फोन जो है वो हमारा बूट मोड में आ चुका है। यहाँ पे बात करें सिम डालने की तो यहाँ पे देखो आप सिम इजेक्टर टूल को यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो इसका सिम ट्रे आ जाता है बाहर और यहाँ पे देखो दो सिम का और एक मेमोरी कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये हम यहाँ पे सिम डाल देते हैं इधर और इसको कर देते हैं इंसर्ट। तो यहाँ पे सिम हो चुका है इंसर्ट, इसके अंदर अब हम फोन को कर लेते हैं ऑन। और यहाँ पे कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आ जाते हैं इसके अंदर, तो ये बाई डिफॉल्ट कंपनी देती है यहाँ पे और ये कुछ प्रमोटेड एप्लीकेशन हैं। इसके अलावा फिर आप अपनी आईडी वाली डाल के यहाँ पे जो भी आपको डाउनलोड वगैरह करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे कुछ क्विक सेटिंग है, कैसे कैसे यूज करना है वो सब बताते हैं यहाँ पे फोन के अंदर। यहाँ पे जो मेन फोकस है इस फोन का वो ये है, यहाँ पे 48 MP का कैमरा मिल जाता है आपको, स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर मिल जाता है, 4000 mAh की बैटरी आ जाती है फोन में, उसके बाद यहाँ पे टाइप सी का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, यहाँ 90% तक का आपको तो स्क्रीन रेशियो मिल जाता है, बेजललेस है लेकिन 100% नहीं है, लेकिन हाँ 90% है क्योंकि यहाँ पर नीचे हल्के से बेजल आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर नॉच वाली डिस्प्ले मिल जाती है आपको, यहाँ पर देखो छोटा सा नॉच है। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको फोन अच्छा लगा होगा।